इसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो भी एडमिशन कमेटी बनी हुई है उनकी मीटिंग्स चल रही हैं काफ़ी, अभी आज या कल में फाइनल मीटिंग होने की संभावना है, और बात भी चल रही है एजेंसी से, अब जो MP ऑनलाइन एजेंसी उन्हीं को फाइनल किया गया है उनसे भी अभी, लेकिन अभी आखिरी दौर में बात चल रही है, और संभावित तिथि जहाँ तक है जुलाई के लास्ट हफ्ते में CET लेने का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, कोविड की स्थिति अंडर कंट्रोल रही तो। CET में लगभग जो पिछले 2 साल का अनुभव है, जैसे पिछली बार काउंसिलिंग में आए थे, पिछली बार टेस्ट तो नहीं हुआ था, तो करीब 2 से 2500 तक सीट्स रहती हैं, और उसके लिए 10,000 से ज़्यादा, मतलब करीब 15-16,000 लोग अप्लाई करते हैं हर बार। इस बार कोविड को लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, MP ऑनलाइन है जिसके थ्रू अभी भी सारा काम हो रहा है, जो भी पिछली बार काउंसिलिंग भी इनके थ्रू ही करवाई गई थी, जब मेरिट के आधार पर बना था तो जो मेरिट लिस्ट थी तो भी वो भी इन्हीं लोगों ने बनाई थी, तो यही हमारा है सारा एडमिशन्स और सारे जो एग्जामिनेशन वगैरह सब उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं, तो अभी उनको करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई इसमें लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हमारे साथ, हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, पूरे MP के यूनिवर्सिटीज के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। कल से पूरी तरह खुल चुकी है यूनिवर्सिटी, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग हेड्स, ये सब लोग 100% आ रहे हैं, और बाकी स्टाफ को अपने जो हेड है डिपार्टमेंट की, चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में हेड हो और यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर जो भी हैं, वो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 50% स्टाफ को बुला सकते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।